अब इस ग्यारहवें सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करो कि बिंदु जो ये दिए हुए हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है वह 90 अंश का होता है, मतलब एक कोण कोई हमारा 90 अंश का होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यह कोण 90 अंश का है, जिसका हम नाम B दे सकते हैं, इसका नाम A दे सकते हैं और इसका नाम C दे सकते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर है A B C। अब जिसके शीर्ष यहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो मान लेते हैं कि जो यह पहला बिंदु दिया है यह A का शीर्ष है और जो यह दूसरा बिंदु दिया है यह B का शीर्ष है और जो यह तीसरा बिंदु दिया है यह C का शीर्ष है। तो अब हमें यह सिद्ध करना है कि जो यह त्रिभुज ABC है यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए लग तो रहा है दिखने में कि यह समकोण त्रिभुज है, पर हमने इसे नाप तोल के तो बनाया नहीं है, अतः हम इसे डायरेक्टली यह नहीं कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें इन बिंदुओं से यह सिद्ध करना होगा कि जो यह त्रिभुज ABC है यह एक समकोण त्रिभुज है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले तो हमें समकोण त्रिभुज की पहचान पता होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है कि जो यह कर्ण होता है इस कर्ण का वर्ग शेष दो बच्ची भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब जो AC का वर्ग होगा वह बराबर होगा AB के वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होगा यह कर्ण का वर्ग। ठीक है, मतलब हमें यह चीज सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से पहले तो हम AC, AB और BC पता कर लें। तो पहले तो जहाँ जहाँ हमने ये बिंदु प्रदर्शित किए हैं तो पहले तो हम वो लिख लें। तो पहले AB पता कर लें, तो लिखेंगे AB बराबर हमें A से B के बीच की दूरी पता करनी होगी। ठीक है, तो दूरी का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, यह दूरी का सूत्र होता है। अब इसमें हम मान रख दें तो X1 यहाँ पर है 1 और X2 है 3, Y1 है माइनस का 2, Y2 है 0। ठीक है, ये तो जान ही चुके हैं। तो 1 में से हमें 3 घटाना होगा तो बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर प्लस Y1 माइनस Y2 मतलब माइनस 3 में से हमें 0 घटाना होगा तो माइनस का 2 ही रह जाएगा का होल स्क्वायर, फिर बराबर। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, तो यह आएगा अंडर रूट 4 4 8। ठीक है, तो चाहे तो इसके कुछ गुणनखंड रूट से बाहर निकाल लें या इतना ही पड़ा रहने दें, क्योंकि अभी जब हम वर्ग करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो इतना ही छोड़ दें। अब AB निकल गया, अब निकालेंगे BC। अब बार बार यह सूत्र ना लिखें, सीधे इसमें मान रख दें इस सूत्र में। ठीक है, तो BC में देखिए यह है X1 यह है X2, तो 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा का होल स्क्वायर। तो यह आएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 यह 4 यह, तो यह भी अंडर रूट 8 ही हो जाएगा। अब फिर हमें AC पता करना होगा, तो यहाँ पर लिखें तथा AC बराबर, तो AC में 1 में से 1 घटाएंगे क्योंकि X1 है 1 और X2 है 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0 तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस के 2 में से 2 घटाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, एक बार सीख चुके हैं कि जब हमारे पास अलग अलग दो चिन्ह हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो डायरेक्ट उसे जोड़ दिया करें। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 2 है प्लस का 2 है इस प्रकार से, क्योंकि माइनस का 2 में से हमें घटाना है 2, तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसका करना है स्क्वायर बराबर, अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्को 16 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर 16 आ गया और 16 का वर्गमूल होता है 4। अब इस पाइथागोरस प्रमेय में इनके मान रखकर देखते हैं कि क्या AC स्क्वायर बराबर आता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के या नहीं। तो पहले तो हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पता कर लें, तो यहाँ पर लिखें इसलिए AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर बराबर, इसमें मान रख दें तो AB का मान आया है अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर, फिर प्लस
बीसी का मान आया है अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अब जब इसे हम हल करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 8, और फिर प्लस इस स्क्वायर से पुनः यह रूट कट जाएगा तो बचेगा 8, तो 8 8 हो जाएगा 16। अब एसी स्क्वायर पता करते हैं तो लिखेंगे तथा एसी स्क्वायर बराबर, एसी का मान है 4, ठीक है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16 ही हो जाएगा। तो देखिए एसी स्क्वायर भी 16 आया है और एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर भी 16 आया है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस का बीसी स्क्वायर, अतः दिए हुए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये हो गया प्रूव्ड। अब इस 12वें सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करो कि जो ये बिंदु दिए हुए हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जैसे कि पिछले 13वें सवाल में सिद्ध किया गया था कि जो वो दिए हुए शीर्ष थे वो एक समकोण त्रिभुज के थे, तो उसमें हमने जाना था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और उसकी पहचान क्या होती है। तो इसमें है समद्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब बराबर और द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा, मतलब दो भुजाएं बराबर हो यदि किसी त्रिभुज की तो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब इनके जो शीर्ष हैं उन पर ये बिंदु प्रदर्शित कर दें, तो यह ए पर प्रदर्शित कर दें, बी पर और यह सी पर। तो इसमें भी जो हमने माना है पहले वह लिख लें या डायरेक्ट चित्रानुसार लिख सकते हैं, ठीक है। कि माना त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष ये हैं। तो अब हम एबी के बीच की दूरी पता कर लें। अब चूंकि हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं इसलिए x1 यह है, x2 यह है, y1 यह है, y2 यह है, तो 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 मतलब माइनस के 18 में से हमें यह 6 घटाना है, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस का 18 माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 24 का स्क्वायर। अब अंडर रूट 749 और प्लस 24 का जब हम वर्ग करेंगे मतलब 24 को 24 से गुणा कराएंगे तो यह आएगा 576, तो 24 का वर्ग 576 वो भी प्लस का बन जाएगा। अब 49 में हमें 576 जोड़ देने होंगे तो यह आएगा 9 6 15 8 4 12 6 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, तो AB 25 इकाई। अब हम BC का मान पता कर लें, अंडर रूट अब सीधे मान रख दें तो 3 में से हमें 5 घटाना है, तो यह प्लस का है या माइनस का, तो 8 ही हो जाएगा। किस प्रकार से, क्योंकि 3 में से हमें माइनस का 5 घटाना है तो प्लस का 5 हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, तो यह हो जाएगा 5 3 8 का स्क्वायर। फिर 6 में से हमें 2 घटाना है तो 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4 का स्क्वायर, तो यह आएगा 8 8 64 4 चक्कू 16, तो यह आएगा, तो यह आया बीसी का मान। अब निकालें हम CA के बीच की दूरी, अंडर रूट 10 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 15, क्योंकि 10 में से जब माइनस का 5 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 5 15 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस के 18 में से 2 घटाना है तो माइनस का 18 और माइनस का 2 तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस के 20 का वर्ग करेंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पर 15 का वर्ग करेंगे तो 225 और 20 का वर्ग करेंगे तो 400, तो यह आएगा 225 प्लस 400, तो अब जब 225 में 400 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, तो CA का मान आ गया 25 इकाई। अब देखिए AB और CA बराबर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है जो कि है 25-25 इकाई की, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC या CA बराबर AC, और जबकि BC बराबर नहीं है, तो यहाँ बराबर को काट दें और इधर लिखें BC, ठीक है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख दें अतः दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
तो देखिए 13वें सवाल में जो शीर्ष दिए हैं इनको हमें सिद्ध करना है कि ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष अभी 12वें सवाल में सिद्ध करे जा चुके हैं, तो यह 13वां आप स्वयं ही कर सकते हैं। और 14वें सवाल में हमें जो शीर्ष दिए हुए हैं उनको समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको भी हम 13वें सवाल में कर चुके हैं, तो इसे भी आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो अब यह 15वां सवाल देखते हैं। तो अब इस 15वें सवाल में देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 1.2, 3.0 और 5.6 हो तो पहले शीर्ष से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। मतलब एक कोई त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्ष 1.2, 3.0 और 5.6। तो अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है तो पहले शीर्ष से जाने वाली माध्यिका, तो पहले शीर्ष को हमने ए माना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो माध्यिका जाएगी वह इस प्रकार से जाएगी, तो ये हो गई माध्यिका। तो चूंकि यह भी एक शीर्ष बन गया है इसलिए इसका नाम डाल दें डी। तो हमें इस त्रिभुज में इस माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए और डी के बीच की दूरी पता करने के लिए हमारे पास इनके बिंदु पता होने चाहिए। तो ए का तो बिंदु है परंतु डी का बिंदु नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो यह डी है यह बी और सी के मध्य में स्थित है, तो पहले तो हम यह बिंदु डी पता कर लें कि इसके निर्देशांक क्या हैं। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें बी और सी के बीच की माध्यिका पता करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु डी के निर्देशांक बराबर, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक है। यह होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। मतलब x1 + x2 का हमें आधा करना है, तो x1 यहाँ पर है 3 और x2 है 5, तो 3 और 5 8 हो जाएगा, और 8 का आधा करेंगे तो रह जाएगा 4। तो यहाँ पर लिख भी दें 3 + 5/2, अब y वाला निकालेंगे तो 0 है यहाँ पर y1 और 6 है y2, तो 0 में 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो 6/2, ठीक है, और ये ब्रैकेट में रहेंगे। अब 3 और 5 8, और 8 का आधा करेंगे 4 और 6 का आधा करेंगे तो 3, तो ये बिंदु आ जाएंगे 4.3, तो यहाँ पर हम 4.3 लिख सकते हैं। अब हमारे पास D का भी बिंदु आ गया 4.3, तो हम A और D के बीच की दूरी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इस दूरी के सूत्र में मान रख दें, तो यहाँ पर अब x1 हो गया 4 और x2 हो गया 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, और जिसका करना है स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2, तो 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1 का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, और प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो 9 और 1 हो गया 10, वो भी अंडर रूट में। तो AD की जो माप आई है वह आई है अंडर रूट 10, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 16वें सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करो कि जो ये बिंदु दिए हुए हैं ये एक समत्रिबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समत्रिबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। मतलब इस सवाल में हमें अब यह सिद्ध करना है कि जो यह एक त्रिभुज है यह एक समत्रिबाहु त्रिभुज है। देखिए इस समत्रिबाहु त्रिभुज की जगह पर समबाहु त्रिभुज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। समत्रिबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज एक ही बात होती है। तो अब हमें यह सिद्ध करना है कि जितना AB होगा उतना ही BC होगा और उतना ही AC होगा, ठीक है। मतलब तीनों भुजाएं हमें बराबर लानी है। तो जो यहाँ पर हमने माना है तो पहले वह लिख लें, ठीक है। तो माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ये निर्देशांक बिंदु जो दिए हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित कर दें। तो जिसके शीर्ष हैं, अब हम पहले AB पता कर लें, तो लिखेंगे इसलिए AB बराबर अंडर रूट, वही सूत्र लगाएंगे दूरी वाला, तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0 का स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट 3 में से हमें घटाना है अंडर रूट 3, तो 3 अंडर रूट 3 में से 1 अंडर रूट 3 जाएगा तो 2 ही अंडर रूट 3 बचेंगे, ठीक है, का स्क्वायर। अब इसे जब हल करेंगे
तो क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा और प्लस दो का वर्ग करेंगे तो चार हो जाएगा, और जब हम इस अंडर रूट तीन का वर्ग करेंगे तो सिर्फ रह जाएगा तीन, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से करेंगे, दो का स्क्वायर भी रहेगा और अंडर रूट तीन का भी स्क्वायर रहेगा, तो इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, तो दो दूनी हो जाएगा चार और यहाँ बचेगा सिर्फ तीन। अब यहाँ पर हमारे पास हुआ चार तिया बारह, मतलब अंडर रूट आ गया यह बारह इकाई, और चाहे तो इसे टू अंडर रूट थ्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो दूनी चार तिया बारह हो जाएगा। तो ए बी निकल गया, अब बी सी निकाल लें, एक में से चार घटाएंगे तो माइनस का तीन बचेगा जिसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस थ्री अंडर रूट थ्री में से टू अंडर रूट थ्री घटाएंगे तो एक अंडर रूट तीन बचेगा, ठीक है, जिसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, तीन तिहाई नौ और प्लस इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ तीन, तो यह हो जाएगा नौ तीन बारह, और चाहे तो इसे भी टू अंडर रूट थ्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें एसी निकालना होगा, चार में से एक घटाएंगे तीन बचेगा तो तीन का स्क्वायर, फिर प्लस दो अंडर रूट तीन में से एक अंडर रूट तीन घटाएंगे तो एक अंडर रूट तीन बचेगा का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा तीन तिहाई नौ प्लस स्क्वायर से रूट कटा तीन, तो यह भी आ गया अंडर रूट बारह, और जिसे हम टू अंडर रूट थ्री लिख सकते हैं। तो अब देखिए तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर आई हैं, जो कि आया है टू अंडर रूट थ्री, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है, तो ए बी बी सी और ए सी सब कुछ बराबर आया है और जो कि आया है टू अंडर रूट थ्री के बराबर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समत्रिबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख दें अतः दिए हुए बिंदु एक समत्रिबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यह हुआ प्रूव्ड।